जय श्री सीताराम। 9 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक का ये जो सप्ताह है, ये जो समय है, ये आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है? इस बात को लेकर, इस भविष्यफल को लेकर, इस राशिफल को लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। निसंदेह ये साप्ताहिक राशिफल है भाई। ये एक सप्ताह की बात हो रही है, तो ये साप्ताहिक राशिफल है। तो आपका साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, और ये भी कह सकते हैं कि वर्ष 2023 का दूसरा सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाएगा। हाँ, शुरुआत तो हो चुकी है। पहला सप्ताह का राशिफल आपको मिल चुका था, हालांकि वार्षिक राशिफल भी आपको मिल चुके हैं। हाँ, यदि आपने वार्षिक राशिफल अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको वैसे YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी के प्लेलिस्ट में बहुत आसानी से मिलेगा। अदरवाइज Instagram या फेसबुक में VS एस्ट्रोलॉजी में भी आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको वार्षिक राशिफल, अलग अलग राशियों के अलग अलग वीडियोस और बहुत विस्तार से मैंने वहां पर समझाया है, तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए वापस आते हैं आज के इस वीडियो में। तो साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वो बताता हूँ। यदि आप रेगुलर मुझे देखते हैं तो आप ये बात बिल्कुल बहुत आपने सुन ली होगी और आपके कान पक गए होंगे, लेकिन बार बार मैं ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे नए दर्शक भी जुड़ते हैं और कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनती हैं। इस वजह से आपको ये बात समझनी चाहिए कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा क्यों, वाय? ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रोक्त जब राशिफल देखे जाए तो वो चंद्र कुंडली के आधार पर देखे जाए। कौन से राशिफल? राशिफल सार्वजनिक तौर पर जो हो, मतलब एक इंसान की बात कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत सारी चीजें देखना पड़ेगी, मतलब लग्न कुंडली भी देखना है। भाई एक व्यक्ति का तो डिटेल ही ले लेंगे ना, कुंडली ही ले लेंगे, जन्म पत्रिका ही ले लेंगे, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी फिर हमको, ढेरों सारी, जो एक सांस में मैं बोल भी नहीं सकता, इतनी सारी चीजें। लेकिन जब हमें बात करना है कईयों की, हाँ मैं बात कर रहा हूँ मेष राशि, तो मेष राशि किसी एक की है क्या? नहीं, कईयों की है, कई हजारों लोगों की है। तो जब सार्वजनिक तौर पर ऐसी बात की जाए तो ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि भाई इसे चंद्र कुंडली के आधार पर यह बात करनी चाहिए। और चंद्र कुंडली क्या होती है? तो चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है और उसके अकॉर्डिंगली मेरे शास्त्रोक्त राशिफल होते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये, चूंकि सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं राशिफल, भाई बहुत सारे लोगों के लिए होता है ना, तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एक बात सबसे महत्वपूर्ण यही ध्यान रखना है कि आपके जीवन का यदि आप कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी पत्रिका का, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करवा लें। हाँ, क्योंकि बड़ा निर्णय या महत्वपूर्ण निर्णय ऐसे सार्वजनिक तौर पर राशिफल आप देख करके सुन करके नहीं लिए जाने चाहिए। हाँ, इस बात को जरूर से आपको ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, रोजमर्रा के निर्णय है, सामान्य निर्णय है, या रोजमर्रा का जीवन आप जी रहे हैं, है ना, कोई कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इस सप्ताह आपके लिए, तो कोई बात नहीं है, फिर आप ये राशिफल देख करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं सामान्य तौर पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको राशिफल बताता हूँ। और सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ऑब्वियसली हमेशा की तरह मेष की बात करेंगे। अब कई सारे आप दर्शकों के मुझे कमेंट आते हैं, सर मेष से ही शुरुआत करते हैं, दूसरी राशि से शुरुआत कर दीजिए, ऐसा कुछ शास्त्रोक्त तो वर्णन नहीं है कि मेष ही से शुरुआत करो, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं हम, तो कन्या से भी कर सकते हैं, मिथुन से भी कर सकते हैं, लेकिन एक 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 टेम्पो बना हुआ है, एक प्रक्रिया बनी हुई है कि भाई मेष के बाद वृषभ ही आएगा, वृषभ के बाद मिथुन ही आएगा, धनु के बाद मकर ही आएगा। तो यदि राशिफल आप देखते हैं तो आपको मालूम है कि धनु चल रहा है, अच्छा अब मेरा आ जाएगा, मकर है मेरी राशि, अब मेरा आ जाएगा। तो एक जो जो ऑलरेडी बना हुआ है उससे चलेंगे तो कई सारे लोग जो हैं उन्हें आसानी रहती है, बस इसी वजह से मेष से शुरुआत करता हूं, अदरवाइज मेरी राशि मेष नहीं है। चलिए तो क्या बात करना है, तो मेष राशि के बारे में साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं। और सबसे अच्छी बात बताता हूं आपको मेष राशि वालों, मैं आज बहुत खुश हूं, और बहुत खुश हूं इसलिए नहीं आपको अच्छा बोलूंगा, आपकी कुंडली में मुझे या आपके गोचरों में मुझे अच्छा दिखता है, इस वजह से अच्छा कहूंगा कि यश में वृद्धि होती हुई आपके लिए मुझे नजर आती है। जी हाँ, यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, तारीफ में वृद्धि होगी। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, हम जो इंसान है ना, हमारी सबसे बड़ी भूख पता है क्या है? हमारी सबसे बड़ी भूख है तारीफ। मतलब आदमी या फिर इंसान को कुछ भी मिल रहा है उसको
कैसा भी परेशान वो हो सकता है तारीफ पाने के लिए, होता ना कि बहुत सारी चीजें, जैसे कोई पद है, पद में उन्नति मिली, तो पद में उन्नति मिली उसमें उसका पैसा बड़ा, वो तो सेकेंडरी हो जाती है, लेकिन उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी प्रतिष्ठा करेंगे, या दूसरे समाज में उसकी तारीफ हुई, ये बड़ी बात है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब मिली, गवर्नमेंट जॉब पैसे क्या मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब में सबको पता है, ना उससे ज्यादा प्राइवेट जॉब में पैसा मिलता है। रही बात सिक्योरिटी की, तो आजकल गवर्नमेंट जॉब की क्या सिक्योरिटी है, ये भी आप सभी को पता है कि कोई सिक्योरिटी पेंशन सिस्टम रह नहीं गया, फिर भी गवर्नमेंट जॉब क्यों, प्रतिष्ठा तारीफ होगी, मैं बोलूंगा मैं गवर्नमेंट जॉब में हुआ जी। तो ये जो तारीफ है ना भैया, इसके लिए हम सब मैं इंक्लूडिंग मी, हाँ ऑब्वियसली, जो भी जो बस हिमालय पर पहुंच गया उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी के जितने लोग इस जीवन में जी रहे हैं, एवं भगवा वस्त्र पहन करके जी रहे हैं, उनको भी ऊंची गद्दी पर बैठना है। क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठा होगी, फिर तारीफ भी चाहिए उनको, वाह जी वाह, कितने बाबा जी कितने अच्छा बोलते हैं, है? सुनना है उनको, आदत पड़ चुकी है, तो हर किसी को तारीफ चाहिए। और ये तारीफ जो है ये आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो जब तारीफ कब मिलती है? तारीफ तब मिलती है जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, जब आपको सफलता मिलती है भाई, जब आप सफल होते हैं तभी आपको तारीफ मिलती है। तो इसको इनडायरेक्टली आप इस वे में भी ले सकते हैं कि आपकी सफलताओं के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, ठीक है? एक बात ये, दूसरी बात ये कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। आप यदि विवाह के इच्छुक हैं, विवाह तय हो जाए, नहीं एग्जैक्टली विवाह तय हो, इस समय आप विवाह के लिए देखना, नया रिश्ता देखना शुरू कर सकते हैं, है ना? तो ये भी एक बात है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं एक चीज और आपसे यहाँ पर कहना चाहूंगा कि घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक या विवाह के लायक हैं, तो वो भी आपके लिए, उनका भी विवाह तय हो जाए, ऐसे भी योग बनते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा आपसे कि ये जो समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत उपलब्धि कारक है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है, भौतिक सुख सुविधाओं को भी देने वाला है, तो इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। यदि आप स्टूडेंट भी हैं तो भी आप मेहनत ज्यादा करिए, हाँ मेहनत करिए और सफल बनिए। मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा आपको, ऑब्वियसली बिना मेहनत के तो क्या ही मिलता है, लेकिन यदि आप मेहनत ज्यादा करेंगे तो निसंदेह आपको वो सब चीजें मिलेंगी भी जिसके आप काबिल हैं, या जो भी चीजें आप चाहते हैं। तो अच्छा समय है, इस समय का लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, ठीक है? चलिए, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। अच्छा, वृषभ राशि के लिए मिली जुली बात कहने वाला हूं। कैसे? पहली बात तो ये कि ये समय आपको ज्यादा चिंता देगा, तनाव देगा, एंजाइटी की स्थिति भी पैदा कर सकता है। कई बार तो ये भी हो सकता है कि आपको जो है वो थोड़ा सा लो फील हो, मतलब डिप्रेशन जैसा फील हो, मतलब तनाव ज्यादा बन जाए, ऐसी स्थितियां, या फिर ये भी कह सकते हैं कि विचार आपके दिमाग में ज्यादा चले, ज्यादा विचार चले, ऐसी स्थितियां भी आपके साथ हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है कि ये फिजूल, अच्छा ये, और ये फिजूल की रहेगी, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है प्रैक्टिकलिटी से। कैसे? यदि आप कुछ चाहते हैं, जैसे मान के चलो कि भाई आप एग्जाम देने गए और अब रिजल्ट आने वाला है, तो अब आप बड़े एंजाइटी में, बड़े तनाव में, बड़े परेशान हैं, चिंता तनाव कर रहे हैं कि बाबा रिजल्ट कैसा होगा, और चिंता तनाव 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन कर लिया और फाइनली रिजल्ट बहुत अच्छा आया, है ना? तो इस प्रकार से कुछ भी, जैसे इंटरव्यू देकर के आ गए, है ना, या इंटरव्यू देने जा रहे हैं और अब चिंता तनाव कर रहे हैं, एंजाइटी में आप परेशान हो रहे हैं कि मेरा इंटरव्यू कैसे जाएगा, और फाइनली आपका इंटरव्यू अच्छा गया और आपका सिलेक्शन भी हो गया, तो मेरा कहना यहाँ पर यह बनता है कि ये समय आपको फिजूल के सोच, फिजूल की चिंता, फिजूल के तनाव, फिजूल के एंजाइटी में डालने वाला है। तो फिजूल की चिंताओं से निकले, मैंने कहा था ना मिला जुला रहेगा। अब मेंटली आप परेशान हैं तो ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको चीजें मिल जाएंगी तो ऑब्वियसली अच्छी बात है। तो इस वजह से मैंने कहा था मिला जुला रहेगा। तो इसको अच्छा करने के लिए क्या करना है? इसको अच्छा करने के लिए मेडिटेशन करिए। यदि आप मेरे रेगुलर दर्शक हैं तो आपको ये बात पता है कि मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आप जब मेडिटेशन करते हैं, जब ध्यान करते हैं, जब इवन कई बार जॉगिंग करते हैं या व्यायाम करते हैं, खेलते हैं, कुछ खेल है आपका, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ करते हैं आप फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी किसी प्रकार का कोई खेल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, तो इसमें बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारी चिंता तनाव भी जो है वो खत्म होती है।
है ना। तो इन सब चीजों को, और कोई आपके साथ खेलने वाला नहीं है तो जॉगिंग के लिए, और जॉगिंग नहीं कर सकते हैं, आपका उम्र या आपका शरीर साथ नहीं देता, तो योग कीजिए। और उतना भी नहीं तो मेडिटेशन तो हर कोई कर ही सकता है, तो मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, है ना, ध्यान लगाइए। बाकी प्रैक्टिकली सब स्थितियां बहुत अच्छी आपकी। और एक और बात बताता हूँ, पारिवारिक तौर पर आपके लिए समय और अच्छा होगा, और मजबूत करने वाला होगा, और ज्यादा आपको पारिवारिक सुख देने वाला होगा। चलिए, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे। और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि दो मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि ये समय आपको भी सफलता देने वाला है। हाँ, ये वक्त आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी कार्य में आप लगे हुए हैं, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, उन सारे कार्यों को ये समय और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। उन सारे कार्यों में आप और ज्यादा सफल होंगे, और ज्यादा आपको तारीफ मिले, ऐसी स्थितियां बनेंगी। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये वक्त आपके लिए अच्छा है, ये वक्त अच्छा है, तभी तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें आपको तारीफ मिलेगी। तो चाहे आप पढ़ाई लिखाई की बात करें, चाहे आप नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, चाहे आप घर गृहस्थी की बात कर रहे हैं, है ना, आप राजनीति में हैं, आप चाहे हो सकता है कि समाज सेवी हो, तो जो भी कार्य आप करते हैं, कर रहे हैं, करने वाले हैं, उन सारे कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। और एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि शारीरिक तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। फिजिकली आपका स्वास्थ्य डावाडोल हो सकता है, फिजिकली आप स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि आपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के ये आपको तंग करेगा, ठीक है। अन्यथा दूसरे क्षेत्रों में बात करें, चाहे पारिवारिक स्थिति की बात करें, मिथुन राशि के लिए यह समय पारिवारिक तौर पर भी आपको बहुत ज्यादा उन्नति करवाने वाला, आई मीन टू से पारिवारिक तौर पर और ज्यादा प्रेम बढ़ाने वाला, और ज्यादा सौहार्द बढ़ाने वाला, और ज्यादा करीबी बढ़ाने वाला रहेगा। मतलब पहले यदि कहीं मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे आपके घर या परिवार में, तो वो भी यहाँ पर खत्म हो जाए, ऐसी स्थितियां बनेंगी, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, बाकी तो कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, मिथुन राशि, 13 मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। यदि आपकी राशि कर्क है तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि आपका नया कार्य शुरू हो सकता है। इस समय आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, इस समय आप कुछ नया सोच सकते हैं, नया करना चाहें तो उसकी प्लानिंग हो सकता है कि नया कार्य एग्जैक्टली सप्ताह से शुरू ना करें, लेकिन प्लानिंग कम से कम आपकी शुरू हो जाए। और प्लानिंग जो इस समय इस सप्ताह आप करेंगे, उसका भी आने वाले वक्त में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। देखो, कोई काम आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिकली, ये तो बहुत मायने रखता है, लेकिन उसकी प्लानिंग आपने कैसे की है उससे ज्यादा मायने रखता है। ऑब्वियसली ना, किस दिशा में चलना है आपको, आपको जाना है आगरा और आप जा रहे हैं मुंबई की तरफ, तो आपने प्लानिंग ही नहीं की थी कि मुझे जाना किधर किधर है। उसके बाद में पीछे पता चला, फिर मुंबई से कहीं और का रास्ता लिया, फिर उसके बाद में आप आगरा के लिए मुड़े। तो बात यह है कि सही रास्ता मिलना, सही प्लानिंग करना, और ये वक्त कर्क राशि वालों को सही रास्ता भी दिलवाएगा, सही प्लानिंग भी दिलवाएगा, और यदि पहले से प्लानिंग करके रखी है तो उस कार्य में आगे भी बढ़ाएगा। अच्छा, और यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो मेरा कहना आपसे यहां पर यह बनता है कर्क राशि वालों के लिए कि आप जो हैं वो कुछ आप जो हैं वो शुरू कीजिए, सोचना शुरू कीजिए, करना शुरू कीजिए, बैठिए मत। यदि आप सोच रहे हैं कि सप्ताह हम घूम फिर कर कहीं आएंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये समय अच्छा है। आपको इस समय अपना पूरा ध्यान लगा देना है, इस समय आपको पूरी अपनी मेहनत लगाना है, मैं आपको ये बात कह रहा हूं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। मैंने अभी कहा था कि घूमने फिरने में अपना ये समय खर्च मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत अच्छा समय आप लूज कर देंगे। लेकिन हाँ, ऐसा ही कोई कार्य है जो आपकी यात्राओं से ही सफल होगा, जैसे
जैसे कि आपको इंटरव्यू देने जाना है, जैसे आपको कहीं डील साइन करने जाना है, जैसे आपको एग्जाम देने जाना है ना। तो अब भाई वो तो करना ही पड़ेगा, और यदि आप यात्राएं करते हैं तो उनमें आपको सफलता भी मिलेगी। तो जिस भी प्रकार की जो भी यात्रा आप करते हैं, आप घूमने फिरने भी जाते हैं, तो जिस उद्देश्य से घूमने फिरने जा रहे हैं, मतलब मानसिक शांति पाने जा रहे हैं, नया कोई एडवेंचर करने जा रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात यह है कि इस समय का उस विषय में फायदा उठाइए जिसमें आगे चल के आपको फायदा मिले, है ना। चलिए कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं, और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि सिंह राशि वाले अपने स्वास्थ्य का जरूर आप ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर से रखना है आपको, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। इस समय आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, और खासतौर पर छाती संबंधी समस्या और पेट संबंधी समस्या आपको तंग कर सकती है। यदि आप गर्भवती महिला है तो भी अपना ध्यान रखिए, और साथ ही साथ यदि आपको लंबी कोई बीमारी है और उसमें भी स्पेशली हृदय संबंधी समस्या है, जैसे हार्ट डिसीज होता है ना, या ब्लड प्रेशर या हाइपर टेंशन, इस प्रकार की कोई बीमारी होती है, तो उसमें भी आपको परेशानी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान रखते हैं तो उसके अलावा सब कुछ अच्छा है, आपके यश में वृद्धि होने वाली है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है, आपकी राशि सिंह है तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपकी तारीफों में वृद्धि होने वाली है, आपकी तारीफें होंगी, मतलब आप जो कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल होंगे आप, गृहिणी होंगे आप, समाज सेवी होंगे आप, राजनीति में होंगे, जो भी आप कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। तो मैं ये एक बहुत अच्छी बात आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इस बात को आप जरूर से ध्यान रखिए, इस बात को आप जरूर से गौर करके रखिएगा, ठीक है। आप मकान भूमि गाड़ी वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद भी सकते हैं, खरीदने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, और भौतिक सुख सुविधाओं की कोई वस्तु में आपका निवेश भी हो, ऐसा भी मुझे दिखता है, मतलब महंगी चीजों में आपका निवेश हो, आप कुछ निवेश कर सकते हैं, है ना, तो अच्छी अच्छी बात है। सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अदरवाइज तो कोई मुझे भगवान की कृपा से कोई दिक्कत बनती हुई आपके लिए नजर नहीं आती, ठीक है। सिंह राशि की बात, कन्या राशि की बात करेंगे, और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि होगी। भैया देखो, धन को लेकर के मेरे पास ना, मैं रोज कंसल्टेशन देते रहता हूँ, और कंसल्टेशन में मेरे पास अधिकतर जो कॉल्स आते हैं, वैसे तो मिक्स सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग तरह से, लेकिन अधिकतर सवाल जो पूछे जाते हैं वो धन को लेकर के अधिकतर सवाल होते हैं। तो धन निसंदेह हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखता है, और जब मैं कहता हूँ किसी को भी कि आपके धन में वृद्धि होने वाली है तो बड़े खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनको मैं कहता हूँ स्वास्थ्य आपका थोड़ा बहुत डाउन होगा लेकिन धन आपका बिल्कुल आपको मिलेगा, तो उनको कोई दुख नहीं होता, मतलब ठीक है सर चलेगा, मतलब ये हाल है। तो खैर, अपनी सबके प्रायोरिटीज होती हैं, किसी को क्या कहें, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि सबसे पहले नंबर पर हेल्थ इज वेल्थ, सबसे पहले नंबर पर हमारा स्वास्थ्य होना चाहिए, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, फिर मेरे लिए जो आता है सेकंड नंबर पर वो परिवार है, और फिर पैसा है। ऑब्वियसली पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य और परिवार ही ठीक नहीं रहा तो पैसे को करोगे क्या, है ना। तो चलिए, तो कन्या राशि वालों के लिए एक बात मैं कह रहा हूँ कि धन बढ़ने वाला है लेकिन स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी होने वाली है, बस इसी बात को मैं कह रहा था। अब स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, है ना, मेंटली भी आप चिंता तनाव में आ सकते हैं और फिजिकली भी आप परेशान हो सकते हैं, थोड़े बहुत स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान, ऐसी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन यदि कोई लंबी बीमारी आपको चल रही है, यदि कोई लंबी बीमारी से आप तंग है, लंबी बीमारी से आप परेशान है कन्या राशि वाले, तो मेरा कहना यह है कि नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। जैसे मान के चलो किसी को डायबिटीज है, कुछ भी खाए जा रहे हो, है ना, ध्यान नहीं रख रहे हैं, हाँ, आपको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, और बिल्कुल दौड़ रहे हैं, लंबा भाग रहे हैं, या फिर अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं, चिंताएं कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, तो जरूर से अकेले ही कहीं चले गए बहुत दूर, है ना, खुद ही लंबी यात्रा पर चले गए अकेले, तो इस बात का जरा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसके अलावा धन में वृद्धि होगी तो उसका ये मतलब भी है कि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आपके धन में वृद्धि होती हुई नजर आती है, मतलब आपका कामकाज और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, और ज्यादा आपको उन्नति मिलती हुई मुझे नजर आती है, तो ये बहुत अच्छी बात है कन्या राशि वालों के लिए। और परिवार का साथ भी आपको भरपूर यहाँ पर मिलने वाला है, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है,
तो ऑल कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा जाने वाला है, केवल आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे, और तुला राशि के लिए कहूंगा कि आपको किसी न किसी का किसी न किसी तरह से सहयोग जरूर से मिलेगा। देखिए, अब मैं हमेशा ये बात पर विश्वास रखता हूं कि हम सभी अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। जिसको अभिमान हो कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं, वो जरा अकेले रह करके दिखाए। मतलब बिना परिवार के तो ठीक है, रह लो, लेकिन जब आपके घर में सुबह दूध आता है तो खुद ही गाय पालो, खुद ही दूध धो और खुद ही जो है वो उसे गर्म करो। हाँ, तो सहयोग लगा ना, जो ग्वाले का सहयोग लगा हमें। आप खुद ही अपने सड़क की साफ सफाई कर लो, और अपने सामने जो नाले नाले हैं उनकी सबकी साफ सफाई आप खुद ही कर लो। नहीं हो सकता, हमें सहयोग की जरूरत लगेगी, सफाई कर्मी ये काम करते हैं। हमें सब जरूरत, बिना किसी के हेल्प के हम कुछ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली। फिर वो भी हमारी बिना हेल्प कुछ नहीं कर सकता। यदि मैं कह रहा हूँ वो दूध आपको देने आता है, और उसके बाद चाय बनती है, आप दूध पीते हैं या खाना खाते हैं, जो भी है, तो आप भी तो उसे कुछ देते हैं ना उसके बदले में, तो आप भी उसका सहयोग कर ही रहे हैं। तो हम सब एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं, और बिना सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ सहयोग ऐसे होते हैं जो आप जिन्हें बदले में कुछ देते भी नहीं है ना। कई बार होता है आप कहीं परेशान हैं, और उस परेशानी से किसी व्यक्ति ने आपको निकाल दिया, और आपने उसको बस धन्यवाद दिया और हो गया, है ना। या कि नौकरी लगना है, आपने किसी किसी का फोन किसी ने किया कि भाई इन्हें नौकरी पर रख लेना, और आपको नौकरी पर रख लिया गया, या किसी और को नौकरी पर रख लिया गया। तो इसके लिए उसने क्या किया जो नौकरी पर रखा, धन्यवाद दिया। तो ऐसा कुछ सहयोग जिसमें जिसमें आपको कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा वक्त मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है तुला राशि वालों के लिए। तो सहयोग मिलने वाला है, यात्राएं भी होने वाली हैं, यात्राएं बड़ी अच्छी होंगी, सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी, और जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, ये बात भी है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अचानक से भी लाभ आपको मिल सकता है। अब ये अचानक से लाभ हो सकता है शेयर में हो, शेयर मार्केट में कहीं पैसा आपने लगाया हो, आप बिजनेस करते हो, वहां अचानक से लाभ मिल जाए, या पहले से कुछ कुछ प्लान नहीं किया था और वो काम अचानक से हो जाए, है ना। तो ऐसे कुछ अचानक से आपको लाभ मिलेंगे, और निसंदेह वो आपको सरप्राइज कर देंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि तुला राशि वालों के लिए समय आगे धकेलने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। बस क्या चाहिए, इच्छा चाहिए भाई, किसी कार्य को करने की बस आप में इच्छा है, और यदि आप उस कार्य को कर रहे हैं तो इस समय ही आपको जो है वो आगे धकेल देगा। चाहे आप नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, प्रोफेशनल हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, चाहे आप समाज सेवी हो, चाहे आप गृहिणी हो, आप काम करिए और मेहनत कीजिए और इच्छा रखिए, ये समय आपको आगे धकेल देगा और सफल बना देगा, ठीक है। चलिए, कन्या राशि और सॉरी तुला राशि के बाद में अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं एक बात कहूंगा, और बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि खर्च इस समय ज्यादा होगा। खर्च, अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने खर्चों का ध्यान रखें, हाँ, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। अच्छा, खर्चों में मैं दो बातें करता हूं। एक तो ऑब्वियसली जो चीज आप खरीद रहे हैं, भाई महंगी वस्तुएं खरीद रहे हैं, कुछ चीज खरीद रहे हैं, तो ये तो एक खर्च हो गया, वो तो हो गया। लेकिन एक और खर्च एक प्रकार से ये भी है कि आप कहाँ निवेश कर रहे हैं, आप कैसा निवेश कर रहे हैं। आप यदि कहीं रिस्की निवेश कर रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, आप ऑलरेडी बिजनेस करते हो, बिजनेस में कोई रिस्की निवेश कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट, ये निवेश आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, ये आपको तंग करेंगे, आपको परेशान करेंगे। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है वृश्चिक राशि वालों को, और रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जितनी चादर है उतना ही पैर पसारिएगा। हाँ, आय की जहां तक बात है तो आय प्रॉपर होती रहेगी, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में कोई दिक्कत नहीं है, केवल यह है कि नया पैसा नहीं लगाना है, नया निवेश, बड़ा निवेश नहीं करना है, रूटीन निवेश, बिजनेस है तो रूटीन इन्वेस्टमेंट्स तो होते रहेंगे, लेकिन कोई बड़ा निवेश या नया निवेश नहीं करना है, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं इस समय। इस बात को यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो ध्यान रखिएगा। पारिवारिक तौर पर थोड़े बहुत वाद विवाद के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो उस विषय में भी जरा ध्यान रखिएगा, पारिवारिक वाद विवाद हो सकते हैं, और साथ ही साथ चिंताएं भी आपको ज्यादा हो सकती है। तो तनाव, चिंता या ज्यादा सोच विचार आपके साथ होगा, जिससे भी आपको बचकर रहने की जरूरत है, ठीक है। चलिए,
ये वृश्चिक राशि की बात थी। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे और धनु राशि के लिए कहूंगा कि सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते होंगे, व्यवसाय करते होंगे, आप प्रोफेशनल होंगे, है ना, कुछ भी कार्य आप करते होंगे, तो उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिले। पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए धनु राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। और आपकी पारिवारिक स्थिति भी जो है वो बहुत अच्छी होगी। मतलब पहले यदि कहीं मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, पहले कहीं वाद विवाद आपके घर या परिवार में चल रहे थे, तो वो वाद विवाद, वो मतभेद, वो आर्ग्यूमेंट्स मुझे यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आते हैं। और पारिवारिक तौर पर आपकी स्थितियां और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आती है, और ज्यादा सौहार्द और ज्यादा प्रेम मुझे आपका बनता हुआ और बढ़ता हुआ आपके लिए नजर आता है। हाँ, तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। तो वृश्चिक, माफी चाहूंगा, धनु राशि वालों के लिए ये समय सफलता का है। लेकिन मेरी एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, पारिवारिक तौर पर भी अच्छा है और नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, धन के तौर पर भी अच्छा है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना है, और वो बात यह है कि आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि आप शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते हैं तो आप परेशान हो सकते हैं। यदि कहीं आपकी कोई लंबी बीमारी है ना, कोई बड़ी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, तो भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि लंबी बीमारी है तो भी अभी प्रॉब्लम बन सकती है, और छोटी मोटी बीमारियां भी नई पैदा हो सकती हैं, है ना। तो शारीरिक स्वास्थ्य का अपने जरूर से आप ध्यान दें, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो फिर अच्छा है, कोई समस्या की बात नहीं। ठीक है, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे, और मकर राशि के लिए कहूंगा कि नए दोस्तों से मिलना हो सकता है, या पुराने दोस्तों से भी मिलना हो सकता है, या प्रेम प्रसंग बन सकता है, या यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो सकता है, विवाह हो सकता है इस बीच में। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है और नए रिश्तेदार बनाने वाला समय है। हो सकता है कि इस समय आपका विवाह नए हो सकता है इस समय आपका विवाह तय भी ना हो, लेकिन यदि आप इस समय विवाह हो जाए उसके लिए शुरुआत करते हैं, लड़की या लड़का देखने की शुरुआत करते हैं, तो भी ये वक्त आपके लिए बहुत शुभकारी होगा, और आने वाले वक्त में आपको इसका लाभ जरूर से मिलेगा। बहुत अच्छी बात ये। अच्छा, धन का लाभ भी मिलता हुआ मुझे यहाँ पर आपके लिए नजर आता है, तो धन में भी लाभ मिलेगा, धन में वृद्धि होगी। तो इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आप और ज्यादा उन्नति इस समय करने वाले हैं। ये सप्ताह आपके धन में, पैसों में, आय में, इनकम में, नौकरी में, व्यवसाय में उन्नति करेगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, तारीफों को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। यात्राएं भी आपकी बढ़ सकती है, लेकिन ये यात्राएं सुखद होंगी, या जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ इस समय मिलने वाला है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है मकर राशि वालों के लिए। और पहले यदि कुछ मतभेद, मनमुटाव या आर्ग्यूमेंट्स थे, तो वो यहां पर आपके लिए मुझे खत्म होते हुए नजर आते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए तो समय भाई बहुत अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे, और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग हैं, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, यात्राएं आप कर सकते हैं, केवल एक बात का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में आप को परेशानी हो सकती है, फिजिकली आप परेशान हो सकते हैं, फिजिकली आप तंग हो सकते हैं, इस एक बात का जरूर से आप ध्यान रखिएगा। अन्यथा मैं कहूंगा कि कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत सफलताकारी, मतलब यदि आप यात्राएं कर रहे हैं और जिस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, आप नौकरी के उद्देश्य से कर रहे होंगे, आप बिजनेस के, आप पढ़ाई लिखाई के, जो भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे होंगे उन उद्देश्यों में सफलता मिलेगी। अच्छा, यात्रा नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको, आप जो कार्य करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता यहाँ पर मुझे आपके लिए मिलती हुई नजर आती है। तो लगे रहिए, मेहनत ज्यादा करिए और सफल बनिए, ये एक बात है, लेकिन केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य का इस समय आप ध्यान रख लीजिएगा, बस खान पान। अच्छा, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कोई लंबी कोई आपको बीमारी है तब तो जो डॉक्टर आपको कहते हैं उस प्रकार से ध्यान रखिए, लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं है तो खान पीन पर कंट्रोल कीजिए, है ना। अभी ठंड का समय चल रहा है तो कान जो है या मुंह जो है इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट
ढक करके रखिए, नाक को थोड़ा ढक करके रखिए, जैसे मास्क वगैरह हम लोग पहन करके चलते हैं। तो इस प्रकार से बाहर की जो हवा है या फिर बाहर का जो गंदा खाना है या गंदी चीजें हैं वो आपके अंदर नहीं जाएंगी, और नहीं जाएंगी अपने शरीर को वातावरण से, नए वातावरण से बचा के रखेंगे तो कोई समस्या भी नहीं है। बस कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए समय प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला है, प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, हाँ तारीफें बढ़ने वाली है। मैंने सबसे शुरुआत में एक बात कही थी, मेष राशि का जब मैं राशिफल दे रहा था तो ये बात कही थी मैंने कि हम सभी प्रतिष्ठा या तारीफ के लिए इतने ज्यादा मतलब इतने ज्यादा इच्छुक होते हैं कि हमारी सबसे बड़ी भूख प्रतिष्ठा या तारीफ हो जाती है। हम प्रतिष्ठा तारीफ पाने के लिए मतलब इंसान कुछ भी कर लेता है, मतलब किसी प्रकार की परेशानियों को सहन कर लेता है प्रतिष्ठा और तारीफ पाने के लिए। तो अब वो सिक्स पैक ऐप निकालना है, अब उससे क्या शारीरिक तौर पर क्या स्वस्थ हो रहा है इंसान। भाई व्यायाम करना शारीरिक तौर पर स्वस्थता मिलती है, लेकिन वो ऐप निकल जाती है ना, तो उससे उससे शारीरिक तौर पर स्वास्थ्य में क्या अच्छा होता है, कुछ अच्छा नहीं होता, बस तारीफ मिलती है, वाह जी वाह सिक्स पैक ऐप है। हाँ तो ये एक बात है, अच्छा दिखना, अच्छा लगना, अच्छी तारीफ पाना, अच्छा सुनना अपने लिए, तो ये समय आपके लिए वो अच्छा सुनने वाला है, ठीक है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थितियों में और ज्यादा वृद्धि करवाने वाला ये समय है, और पारिवारिक तौर पर भी आपको यहाँ पर प्रेम मिलेगा। यदि पहले कहीं मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे तो खत्म होते हुए नजर आते हैं, और पारिवारिक सुख के योग मुझे आपके लिए मीन राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो अच्छा समय है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर बात की, और मैंने आपको ये समझाया कि आपके लिए साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली होरोस्कोप कैसा होगा इस बारे में हमने बात की। यदि आपको ये साप्ताहिक राशिफल पसंद आया तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको पसंद आया, आफ्टर ऑल ये आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।